एक भाई लास्ट पोएट्री सुनना। ये अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा तो रेप दिन पे दिन, मतलब जो लड़की दुनिया भी नहीं देख पाती उसका भी रेप हो जाता है। ठीक है के हिंदी में, जी रहा हूँ एक ऐसे देश में जहाँ सिर्फ नारे लगाए जाते हैं, ना होता अमल उन बातों का, अरे यहाँ तो नेता भी लड़की की ज़िंदगी खा जाते हैं। जिस लड़की ने दुनिया भी नहीं देखी कि जिस लड़की ने दुनिया भी नहीं देखी वो रेप का शिकार हो जाती है। ना जाने ये दरिंदे कहाँ से पैदा होते हैं जिनकी एक गलती घर की सारी खुशियाँ छीन ले जाती है। कभी 8 महीने की के कभी 8 महीने की कभी 2 साल की बच्ची को जीने से पहले ही मार दिया। शर्म कर दरिंदे, तेरी वजह से उस लड़की ने घर में रहकर अपने सपनों को मार दिया। शुक्रिया। जानवरों की तरह नोचा जाता उस मासूम सी जान को, यहाँ तो कर दी तूने गलती, क्या जवाब देगा उस भगवान को। छोटे कपड़े पहनने का हक उसे भी है, फिर क्यों उसके ऊपर रोक टोक लगाई जाती है। लड़की को कहने से अच्छा अपने बेटे को समझाओ, क्योंकि सारी अवस्था वहीं से आती है। शुक्रिया। अपनी बहन की वो रक्षा करे और दूसरों की बहन का रेप करे, ऐसे को लाकर खड़ा कर दो पब्लिक में, फिर देखो कैसे वो सरेआम इस धरती से मरे। गर्भ में ही मरवा देते हैं लड़की को, हाँ मैं मानता हूँ कि ये गलत है। गर्भ में मार देते हैं लड़की को, हाँ मैं मानता हूँ ये गलत बात है, पर वो माँ बाप क्या करे। जिस देश में लड़की सुरक्षित नहीं तो वो क्यों इस लड़की को संसार में लाए। क्या बिगाड़ा इन लड़कियों ने तुम्हारा, लास्ट में ध्यान से सुना भाई, कि क्या बिगाड़ा इन लड़कियों ने तुम्हारा जो तुम इनको नोच देते हो। तुम इंसान नहीं जानवर हो जो अपनी बहन के सिवा दूसरी लड़कियों को अपनी आवाज का शिकार समझते। एक लास्ट है कि अपने मतलब नॉर्थ साइड ज़्यादा होती है चीज़ें, कि राह चलती लड़की होती है भाई, और लड़के उसके पीछे पीछे गेड़ी लगाते हैं, नंबर मांगते हैं, उसको छेड़ते हैं, ये अलग मैटर। एक मैटर और ये आता कि साथ में जो यूथ है, आज का यूथ है, वो तो कुछ कहेगा नहीं उनको। जो अपने सिटीजन होते हैं ना, ठीक है, वो भी उनको कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं उधर। ठीक है, उनको कहने से कहेंगे तो कुछ नहीं, बस देखते रहेंगे, बाद में बातें करते ये गलत है ये। तो एक उनके लिए भाई, के पीछे पीछे गेड़ी लावें और राह चलती छोरी नमाल पटाखा बतावें, के पीछे पीछे गेड़ी लावें और राह चलती छोरी नमाल पटाखा बतावें, घर तली कड़के आज फिर किसी छोरी की सरेआम इज्जत लूट जावे। या दुनिया भी बड़ी गंदी चीज है, चुपचाप तमाशा देखती रहेगी और जब पड़ेगी ना खुद की बेटी पास फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती रहेगी। वह राह चलती छोरी भी किसी अगर की इज्जत है, कुछ अवश्य के पुजारिया ने तो शर्म को ना, पर अंकल आंटी जी आप तो सुधर जाओ, क्योंकि आपके घर में ही बैठे आपके घर की इज्जत है। कदे छोरी न टच करें, कदे उस तो उसका नंबर मांगे, कि कदे छोरी न टच करें और कदे उस तय उसका नंबर मांगे, और मैं मानू नकती ना मर्द की औलाद जो छोरी की इज्जत नहीं करना जाने। मैं यूं ही नहीं लिखता लड़कियों की इज्जत के ऊपर, कि मैं यूं ही नहीं लिखता लड़कियों की इज्जत के ऊपर, क्योंकि सच्चाई सब नकड़ भी लाग गया करें, और जिस दिन बीत जाओगे ना थारी खुद की बाण बेटी पर उस दिन बेरा लागेगा कि अभिषेक तेरी बात सच में दिल पर लाग गया रे, दिल पर लाग। शुक्रिया।